हेलो गाइस, सो मैं बिहार का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं टैली ERP 9 को अच्छे तरीके से पढ़ाता भी हूँ, तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टैली ERP 9 को कैसे हम लोग चालू करते हैं। मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तरीके से डिफाइंड करके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे ही आप इस चीज़ को समझेंगे और जानेंगे, और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैली ERP 9 चला तो लेते हैं लेकिन बट उन्हें ओपन करना, कैसे ओपन किया जाता है और क्या होता है, इसका मतलब अर्थ क्या होता है, मैं आप लोगों को ये सारी चीज क्लियर करके आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जैसा गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि टैली ERP 9 को हम चालू कैसे करते हैं। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि जो हम टैली ERP 9 चलाते हैं आखिरकार हम उसको किस प्रकार से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हमारा डेस्कटॉप होता है, हमारे डेस्कटॉप पर टैली ERP 9 पहले इंस्टॉल होनी चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद हमें उसको क्या करना होना चाहिए, हमारे डेस्कटॉप आइकन पर उसका एक आइकन होना चाहिए, वो भी टैली ERP 9 में। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये हमारा डेस्कटॉप है, क्या है, ये हमारा डेस्कटॉप है और इस पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो है टैली ERP 9 का आइकन भी है। ये देखिए, ये है यहाँ पे, क्या है, ये हमारा टैली ERP 9 का आइकन है ना। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि ये टैली ERP 9 का आइकन है। अगर शायद आप लोगों के डेस्कटॉप पर टैली ERP 9 के आइकन नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल नहीं किए होंगे, इसी प्रकार से आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर वो आइकन नहीं आ रहा होगा। तो इसको आप अच्छे से इंस्टॉल कर दें। अब हम इसको करते हैं क्लिक, क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया और ये हमारी टैली ERP 9 चालू हो रही है। क्या हो रही है, चालू हो रही है। ये देखिए, ये हमारा जो सबसे पहला पेज है जब हम टैली ERP 9 को चालू करते हैं, जैसे ही हम दो बार क्लिक करते हैं, वो भी अपने माउस के थ्रू या अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं आइकन पर, डबल आइकन पर एंटर करते हैं, तो ये हमारा स्टार्टअप का जो पेज है ये हमारा ओपन होता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये स्टार्टअप है, अब क्या होगा, इसके आएंगे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, है ना, आप लोग तो सोच ही रहे होंगे। तो आप इससे बेफिक्र रहिए, मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके समझाऊंगा कि आपको किस चीज पर जाना है और उसका क्या यूज है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक तो आपके पास ऑलरेडी पहले से, अगर शायद आप लोगों ने क्या किया हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है टैली का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर शायद आपने ऑलरेडी पहले से करवा रखा है या आप करवा के आए हैं, अगर शायद आपने टैली ERP 9 को, क्या है, अगर शायद आपने टैली ERP 9 को पेमेंट देकर ले रखा है, क्या है, पेमेंट देकर ले रखा है, तो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं एक्टिव योर लाइसेंस पर, देख रहे हैं ना, आप इस पर क्लिक करेंगे। किस पर, एक्टिव योर लाइसेंस पर। एक्टिव योर लाइसेंस पर हम कब क्लिक करेंगे, जब आखिरकार हमने टैली ERP 9 को पेमेंट देकर, क्या देकर, पेमेंट देकर ले रखा है, तो हम एक्टिव योर लाइसेंस पर जाएंगे। और अगर शायद हमें सीखना है, यानी कि अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने के पर्पज से हर कहीं जाते हैं कि भाई हमें टैली ERP 9 सिखा दो और हमें सीखना भी है बहुत अच्छी तरीके से, है ना, तो वहाँ पे ये नहीं बताते कि आखिरकार आपको जाना किस पे है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आपका टैली ERP 9 सीखा जाता है, यानी कि ये आपका चालू नहीं होगा, एक्टिव योर लाइसेंस पर आपका टैली चालू नहीं होगा। आपको चालू करना है तो आपको क्या करना है, सीखना है, क्या करना है, आपको सीखना है। सीखने के पर्पज से जब आप जाओगे तो आपको जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड, कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड ये होता है कि आप एक एजुकेशन पर्पज से इस टैली को चलाना चाहते हो, यानी कि आप एक स्टूडेंट हो और टैली ERP 9 को क्या करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। किस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीखना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया एक्टिव योर लाइसेंस का कब यूज किया जाता है, जब आपने टैली ERP 9 को पेमेंट देकर ले रखा है तो आप एक्टिव योर लाइसेंस पर जाएं, जो आपकी पूरी फुल्ली ऑनलाइन चलेगी। कैसे चलेगी, पूरी ऑनलाइन चलेगी। और अगर शायद आपको ओनली सीखना है, उसका सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, तो आप किस पर जाओगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। किस पर, वर्क इन एजुकेशनल
मूड पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी शॉर्टकट की भी होती होगी। हाँ जरूर है कि इसकी शॉर्टकट की भी होती है। अगर शायद आपको एक्टिव योर लाइसेंस पर जाना है तो आपको अल्ट के साथ ए दबाना है, क्या दबाना है, ए दबाना है, तो आपका एक्टिव योर लाइसेंस ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपका जो है वर्क इन एजुकेशनल मोड है इसमें आपको अल्ट के साथ डब्ल्यू दबाना है, क्या दबाना है, अल्ट के साथ डब्ल्यू। तो मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ पर अल्ट के साथ डब्ल्यू करता हूँ, अल्ट के साथ डब्ल्यू। ये देखिए ये मेरा गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन चालू हो गया। एक साइड गेटवे ऑफ टैली आ रहा है और एक साइड हमारा कंपनी आ रहा है जो हम लोग बना चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को 100% ये जरूर समझ में आया होगा कि हम टैली ERP 9 को कैसे चालू करें। तो आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर करना तो आप ना ही भूलें। और वीडियो अच्छे से देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन बटन से क्लिक जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।